होगा इस आपके लिए लाएँ स्कॉर्पियो एस आई मॉडल जो देख सकते हो अपने महाराष्ट्र से आया हुआ है, तो कुछ अपना ऐसा रहने वाला देख सकते हो, कुछ हाल ऐसा ब्रांड रहने वाला पूरे अपना बेस मॉडल रहने वाला है। अभी इसमें फ्रंट की बात करें तो दूसरी अभी फ्रंट में लगा क्योंकि अपना बेस मॉडल में ऐसे आता है साइड में, कुछ देख सकते हो अपना हेडलाइट अपना स्टॉक कुछ ऐसा रहने वाला, बाकी फॉगलाइट देख सकते हो कुछ अपना ऐसा रहने वाला। बाकी ग्रिल की बात करें तो ग्रिल अपना नॉर्मल अपने हिसाब में फुल ब्लैक आता है, तो अपना फुल देख लो फ्रंट का कुछ ऐसा रहने वाला है, तो अपना फुल तरीके का मेडिफिकेशन होने के बाद मैं आपको दिखा दूँगा। बाकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ अपना ऐसे मेरा रहने वाला प्लेन, तो इसमें अपना ऑटोमेटिक लगेगा, जो भी अपना बीएमसी कर लेगा वो भी मैं आपको चेकअप करा दूँगा। बाकी फुटेज की बात करें तो फुटेज कुछ अपना ऐसा रहने वाला देख सकते हो, तो सिल्वर में ऐसा कुछ। बाकी इसमें अपने अलॉय भी लगना है, जो भी लगना है जो भी मैं आपको लगने के बाद चेकआउट करा दूँगा। बाकी अंदर की बात करें तो अंदर कुछ अपना ऐसा रहने वाला देख सकते हो। बाकी इसमें डंपिंग का काम चल रहा है, जिसमें डबल लेयर डंपिंग हो रहा है, जैसे कि मैं फ्रंट में देख सकते हो, जैसे फ्रंट और अपना डबल ऊपर से भी और नीचे अपना दोनों डबल लेयर डंपिंग हो रहा है। बाकी शरीर कुछ ऐसा रहने वाला खाली देख सकते हो, बाकी डंपिंग का काम चल रहा है देख सकते हो कुछ ऐसा रहने वाला। बाकी डंपिंग इसमें बात करें तो अपने से पूरी फ्लोर प्लस पाँचों डोर की डंपिंग का काम होना है, तो पूरे लगने के बाद मैं आपको चेकआउट करा दूँगा, कुछ देख सकते हो ऐसा रहने वाला। बाकी पीछे की बात करें तो पीछे कुछ अपना ऐसा रहने वाला, फ्रंट की बात करें तो देख सकते हो मैं डबल पिलर स्कॉलर उसमें खाली ब्लिंग रहने वाला, जो कि इसमें लगने के बाद चेकआउट करा दूँगा, जो कि मैं देख सकते हो एक मोटर रहने वाला है। कुछ अपना देख सकते हो फ्रंट की डंपिंग की बात करें तो देख सकते हो, तो कुछ अपने ऊपर की डंपिंग की बात करें तो ऊपर ऐसा रहने वाला, और अंदर की बात करें तो अंदर देख सकते हैं डबल है डंपिंग रहने वाला, जो डंपिंग का ब्रांड रहने वाला ऑटो पर भी डंपिंग रहने वाला, क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया ब्रांड में रहने वाला है, क्वालिटी की बात करें तो बहुत बढ़िया एक मशीन आने वाला है, देख सकते हो ऐसा रहने वाला है, देख सकते हो कुछ ऐसा रहने वाला ब्रांड की बात करें तो। जो गाड़ी जो रहने वाला अपना नाइन सीटर रहने वाला है, जो तो पीछे की डब्बे बड़े वाला सीटर रहने वाला है। बाकी डैशबोर्ड की बात करें तो कुछ अपना ऐसा रहने वाला देख सकते हो, कुछ अपना सिस्टम की बात करें तो कुछ अपना खाली ऐसा रहने वाला है। गाड़ी जो अपना रहने वाला है अपना महाराष्ट्र से रहने वाला है, कुछ देख सकते तो गाड़ी की पूरी ओवर लुक। जो भी डंपिंग का पूरा शाम चल रहा है, स्कॉर्पियो की डंपिंग की बात करें तो डंपिंग इसमें होने जा रहा है, फुल कार डंपिंग हो रहा है, जिसमें पूरी फ्लोर में डंपिंग होगा, तभी फ्लोर के पूरी नीचे के कारपेट अपने हटा दिया गया होगा, कुछ अपना ऐसा रहने वाला कुछ ऐसा रहने वाला। बाकी इसमें अपना फ्लोर भी डंपिंग होने वाला, तो कुछ होने बाद में कुछ कर रहा हूँ, इसके बाद जो भी लग रहा है जैसे कुछ अपना ऐसा है। तो गाइस अपना फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में अपना ये फॉग में डियारा लगने वाला, जो कि अपना मैट्रिक्स रहने वाला है। फॉग की बात करें तो फॉग में इसमें अपना प्रोजेक्टर डालने वाला, जो कि आईपीएस का रहने वाला, जो मैं देख सकते हो आईपीएस के प्रोजेक्टर अपना ऐसे रहने वाला की बॉक्स। और उसके अपने वायरिंग के काम देख सकते हो, अपना कपड़े टू कपड़ा काम चला, जो कि देख सकते हो ऐसे रहने वाला कपड़ा की फिटमेंट, कुछ अपना ऐसे रहने वाला देख सकते हो, अपने फॉग लाइट के कपड़े से ड्रेसिंग में जाएगा ऐसे रहने वाला, ये देख सकते हो वायरिंग ऐसे रहने वाला। बाकी हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट अपना स्टॉक के साथ में नॉर्मल अपना ऐसा आता है, जिसमें अपना आईपीएस डालना है, अपना इसमें आपका कस्टमाइज हेडलाइट होगा, जिसमें अपना इसमें आईपीएस का प्रोजेक्टर डलेगा बड़े वाला स्लॉट वाला, जिसमें डबल रिंग होता है, और इसमें अपना डीआरएल डलेगा, जो कि अपने लगने के बाद वो भी इंस्टॉलमेंट चेकआउट करा दूँगा जो भी है। बाकी साइड की बात करें तो साइड में अपना इसमें S11 वाला फुटेज भी लग रहा है, जो कि अपना फुल ब्लैक के साथ इसमें अपना कॉर्नर भी लगने वाला, तो मैं आप चेकआउट करा दूँगा, उसमें इसका काम भी प्रोसेसिंग चल रहा है। होगा अगर पीछे की बात करें तो पीछे इसमें अपना वाइपर लगने जा रहा है, जो कि अपने देख सकते हो ऊपर से जो पांच होल नजर आ रहा है, जो देख सकते हो जो कि अपने कॉलर के लिए लग रहा है हुआ है, जो कि इसमें अपने वाइपर के वाशिंग के जो बना होता है वाइपर के पानी के लिए, तो चीज़ अपने देख सकते हो महिंद्रा की जेन्युइन पार्ट देख सकते हो, अपना महिंद्रा की आपके मोटर रहने वाला वाइपर की मोटर, जो कि अपना ब्रांड न्यू रहने वाला देख सकते हो, अपना स्टील के बॉक्स रहने वाला है, देख सकते हो कुछ रियर वाइपर का मोटर है, तो देख रहे हो ब्रांड न्यू रहने वाला है। कुछ अपना इसका इंस्टॉलमेंट होने के बाद मैं आपको चेकआउट करा दूँगा। सो गाइस अपना स्कॉलर की बात करें तो महिंद्रा की जेन्युइन स्कॉलर आने वाला देख सकते हो, अपना प्रॉपर अपने फ्लेम के साथ हो रहा है देख सकते हो, कुछ ऐसा फिटमेंट रहने वाला है। बाकी रियर गार्निश की बात करें तो महिंद्रा की जेन्युइन रियर गार्निश भी अपना एक्सचेंज हुआ है, जो कि देख सकते हो अपने नॉर्मल इसमें एस आई पी नॉर्मल आता है ब्लैक कलर का, तो उसको अपने एक्सचेंज करके एक्सलेंट वाला प्रॉपर अपना क्रोम वाली पार्ट लगा दिया जाता है, कुछ अपना ऐसा रहने वाला देख सकते हो, एक तरह का स्कॉलर अपना लग चुका है, बाकी दूसरी तरह का अपना प्रोसेसिंग चल रहा है, तो देख सकते हो। तो अगर अच्छा डंपिंग की बात करें तो डंपिंग देख सकते हो अपना पूरे डबल या डंपिंग हो रहा है डोर में, और डिक्की की बात करें जो भी अपने अंदर की बात करें तो अंदर कुछ अपना रहे देख सकते हो, जो पूरी ने रूप के साथ साथ अपना पूरी डंपिंग हुआ है, पूरी फ्लोर है देख सकते हो, जो मैं चेकअप कर सकते देख सकते हो पूरी कार डंप है।
ऐसे अगर पिलर की बात करें तो पिलर इसमें अपना महिंद्रा के जैन में रहने वाला देख सकते हो, कुछ अपना ऐसा तरीके फिनिशिंग रहने वाला जो आप कहीं चीज़ में आपको गैप नहीं मिलने को रहना। ताकि अगर पिलर महिंद्रा की बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो महिंद्रा के लोगों कुछ अपना ये महिंद्रा के जैन में रहने वाला देख सकते हो, उसकी फिनिशिंग चेकआउट कर सकते हो, ऐसा रहने वाला है। स्पीकर की बात करें तो स्पीकर अपने JBL के 390 वाट का कॉम्प्लेंट रहने वाला है, तो कुछ अपना देख सकते हो ऐसा रहने जो अपना फ्रंट डोर में लगेगा। पीछे डोर की बात करें तो पीछे अपना JBL की 400 वाट का ओबल डलेगा जो मैं आपको चेकआउट करा दूँगा। एम्बियन लाइट की बात करें तो इसमें चारों डोर प्लस इसमें डैशबोर्ड पे अपने एम्बियन लाइट भी लगेगा, तो कुछ इस तरीके का अपना पैकिंग आता है, चेक आउट कर सकते हो। ये अपना देखते हो अपना फिट करने के लिए होता है चीज़ें। बाकी मैटिंग की बात करें तो इसमें अपना फ्लोरिंग रहने वाला जो कि अपने वाटर प्रूफ फ्लोरिंग से चेकआउट कर सकते हो, इसकी फिनिशिंग कुछ चेकआउट कर सकते हो। बाइक का वाइपर की बात करें तो वाइपर इसमें अपना डमी नहीं है, इसमें अपना वर्किंग के साथ रहने वाला जो मैं आपको चेकअप करा दूंगा लगने के बाद, जो भी अपना वर्किंग करके जो अपना वर्किंग वाइपर रहने वाला महिंद्रा की जेन्युइन पार्ट है। तो गाइस अगर प्रोजेक्टर की बात करें हेडलाइट में तो अपना प्रोजेक्टर रहने वाला जो देख सकते हो अपना RKH का प्रोजेक्टर रहने वाला है, RKH कार कुछ इस तरीके का रहने वाला जो अपना डबल इंको में ऑप्शन आता है, जिसमें अपना फ्रंट में वहाँ व्हाइट भी आता है, रेड भी आता है, ब्लू भी आता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कलर में जाना चाहते हो, तो कुछ अपना ऐसे रहने वाला। बाकी फिटिंग की बात करें तो फिटिंग कुछ अपना ऐसे देख सकते हो, ऐसे रहने वाले जो कि हमने डबल लिंग है। और इसका DRL की बात करें तो इसमें डुअल टोन का DRL, इसमें अपना व्हाइट का भी ऑप्शन होता है और इंडिकेटर पे आपका येलो का भी या ऑरेंज का येलो जो भी अपना डबल ऑप्शन होता है। बाकी प्रोजेक्टर की बात करें तो प्रोजेक्टर देख सकते हो कुछ ऐसे रहने वाला। बाकी प्रोजेक्टर अपना क्रिस्टल आई की 55 वाट के HID डलना है, और हाई बीम की बात करें तो हाई बीम अपना क्रिस्टल आई के 90 वाट की कैनवास LED डलना है, जो चेकआउट कर सकते हो कुछ अपना डला हुआ देख सकते हैं। तो बाकी अगर हेडलाइट की बात करें तो अपना S5 की हेडलाइट है, अपना स्टॉक हेडलाइट में हमने कस्टमाइज अपने DRL और प्रोजेक्टर डाले हैं, तो कुछ अपने ऐसा रहने वाला है। अब ब्लास्टर की बात करें तो ब्लास्टर कुछ अपने ऐसा देख सकते हो। बाकी मिरर BMC की बात करें तो इसमें कोई अपना ऑटोमेटिक नहीं डाला है, अपने S11 का लुक दिया, जैसे कवर हो गया और ये DRL हो गया, इंडिकेटर हो गया, तो अपने ऊपर से अपने S11 का लुक दिया है, चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर फुटर्स की बात करें तो फुटर्स अपना इसमें S11 वाला फुटर्स अपना एक्सचेंज हमने किया, जो कि अपना ब्लैक फुटर्स के साथ अपना इसमें कोने में डाले, जो अपना S5 में हमने नॉर्मल अपना सिल्वर स्टॉक आता है जो कि अपना यहाँ तक की कट होता है, तो हमने वहाँ एक्सचेंज करके प्रॉपर अपना इसमें S11 वाले हमने फुटर्स लगा के दिया, कुछ अपना ऐसे रहने वाला देख सकते हैं। स्पीकर की बात करें तो स्पीकर की फिटिंग चेकआउट कर सकते हो, जो अपना 390 वाट में रहने वाला कंप्लेंट में रहने वाला। बाकी अगर एम्बियन लाइट की बात करें तो एम्बियन लाइट के अपने तारे डल रहा है, तो देख सकते हो कुछ अपना ऐसे रहने वाले लेंस इसमें, तो इसमें अपने चारों डोर प्लस डैशबोर्ड में डलना है, तो मैं आपको लगने के बाद पूरी प्रोजेक्शन चल रहा है, लगने के बाद मैं चेकआउट करा दूँगा। बाकी स्टेरिंग कंट्रोल की बात करें तो महिंद्रा की जर्मन स्टेरिंग कंट्रोल रहने वाले देख सकते हो, जो अपना ब्रांड न्यू में रहने वाला है। बाकी अगर फॉग लाइट की बात करें तो फॉग लाइट में आपको यहाँ से क्लेवर डलने वाला है, ये पूरी पार्ट में चेंज होगा, मैं आपको चेकआउट करा दूँगा। सो गाइस अगर हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट अपना पूरी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अपना DRL जो चेकआउट कर सकते हैं, जो कि अपना मैट्रिक्स में रहने वाला है, तो कुछ अपना मैट्रिक्स का चल रहा है जो देख सकते कुछ ऐसा रहने वाला है। बाकी प्रोजेक्टर की बात करें तो प्रोजेक्टर में अपना HID और हाई बीम में LED है, उसका रिस्पॉन्स आपको नाइट में देखने को मिल जाएगा। बाकी DRL की बात करें तो DRL देख सकते हो, इसमें DRL में मैट्रिक्स रहने वाला है, बट यहाँ पे अपना IPS का प्रोजेक्टर लगना है, वो भी लगने के बाद मैं आपको चेकआउट करा दूँगा, तो कुछ अपना ऐसा रहने वाला रिस्पॉन्स चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर सीट कवर की बात करें तो सीट कवर कुछ अपना ऐसा रहने वाला, फिटिंग चेकआउट कर सकते हो, जो अपने बकट्स में रहने वाला है, जिसमें आपको कहीं से भी इसमें रिंकल नहीं मिलने वाला। बट अगर यहाँ की बात करें तो प्रॉपर आपको स्कॉर्पियो की जो प्रॉपर यहाँ पे कान वाले डिजाइन आता है, तो उसके हिसाब से वो प्रॉपर आज देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा देख सकते हो, ये ओरिजिनलिटी पैटर्न के हिसाब से तैयार हुआ है। बाकी फुल ब्लैक में अपना रेड पंचिंग के साथ अपना इंस्टॉलमेंट हुआ देख सकते हो, कुछ की फिटिंग चेकआउट यहाँ पे देख सकते हो, कुछ रेड वाइप के लिए अपना देख रहे हो लुक लेने के लिए, रुकी है लुक वाइप के लिए, तो अपना बहुत बढ़िया फ्रेस आ रहे देख सकते हो, कुछ फिटिंग चेकआउट कर सकते हो, वैसे कुछ ऐसा रहने वाला है। आपको एंट्री करते हैं यहाँ पे आपको वेलकम प्लेट मिल जाएगा, कुछ अपने स्कॉर्पियो देख सकते हो, उसमें कलर के ऑप्शन की बात करें तो सामने ब्लू तो आई है, एक आपको व्हाइट का भी ऑप्शन मिल जाता है और मल्टी कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है। बाकी फ्लोरिंग चेकआउट करते हो, जो अपना फ्लोरिंग हुआ है। बाकी सीट कवर की बात करें तो सीट कवर के पीछे वाली आपकी जो भी मिडल वाली जो सीट है उसकी आपकी फिनिशिंग चेकआउट कर सकते हो, कुछ अपने ऐसे रहने वाला फिर देख सकते हो। फिर बाकी सीट कवर की बात करें तो अपना ऑटो सीट के ब्रांडेड कंपनी रहने वाला देख सकते हो, एक ब्रांड आठ सौ सीट रहने वाला है, जिसका आपको वारंटी 5 साल का मिलने वाला है। तो गाइस अगर ग्रिल की बात करें तो अपना S5 में ग्रिल अपना नॉर्मल अपना फुल ब्लैक आता है, जैसे कि इस तरीके का आता है, चेकआउट कर सकते हो। बाकी हमने एक्सचेंज करके अपना प्रॉपर इसमें S11 वाला ग्रिल लगा रहे हैं, तो इस ग्रिल के ग्रिल आप चेकआउट कर सकते हो, जो कि आप यहाँ से कोई अपने क्रोम या अलग से पेस्टिंग नहीं है, प्रॉपर अपना लॉक सिस्टम होता है, जो कि अपने महिंद्रा S11 में ग्रिल आता है, तो बिल्कुल आपको महिंद्रा की जेन्युइन ग्रिल रहने वाला, चेकआउट कर सकते हो, कुछ ऐसा वाला। बाकी महिंद्रा की बैजिंग देखना चाहते हो तो देख सकते हो, कुछ अपने महिंद्रा के लोगो भी आपको मिलने वाला है, क्योंकि महिंद्रा की जर्मन ग्रिल है। तो IPS के प्रोजेक्टर की बात करें तो IPS के प्रोजेक्टर कुछ अपना ऐसे रहने वाला, बाकी इसमें क्रिस्टल आई की HID डलेगा। तो अपना प्रोजेक्टर की बात करें, प्रोजेक्टर हमारे इस तरीके से हमें खाली खोखा आता है, तो इसमें हमने किट डलेगा अपना क्रिस्टल आई की 55 वाट की कैनवास HID, तो भी आपको रिस्पॉन्स मैं आपको चेकआउट करा दूंगा लगने के बाद।
बात करें सीट कवर की, सीट कवर की इसकी फिनिशिंग को चेकआउट कर सकते हो, इसी को अपना देख सकते हो, कुछ ऐसा रहने वाला है, कुछ अपना ऐसे ही दिखा रहा था, देख सकते हो अपना एस आई ब्रांड में। यहाँ पे आपका आर्मरेस्ट नहीं होता तो उसका उसमें अपना एस एलेवन वाली प्रॉपर इसमें आर्मरेस्ट भी लगा के दिए, कुछ चेकआउट कर सकते हो, कुछ ऐसा रहने वाला। बाकी डैशबोर्ड की बात करें तो अपना एस आई मॉडल में अपना नॉर्मल यहाँ पे आता है, देख सकते हो अपना एस एलेवन वाली क्रोम की जो पार्ट आते हैं, पूरी पैजल पार्ट आता है तो वो चेंज होगा, वो भी मैं आपको लगाने के बाद चेकअप करा दूँगा। यहाँ पे भी लगेगा और पार्ट अगर यहाँ पे भी लगेगा, देख सकते हो बीच सेंटर पार्ट और ऊपर राइट में भी लगेगा, तो पूरे लगने वाले हैं चेक करता हूँ। बट यहाँ पे अगर एंड्रॉइड की बात करें जो अपना ब्लोपन का एंड्रॉइड लगने वाला है 9 इंच में, तो भी मैं आपको लगने वाला चेकआउट करा दूँगा। कुछ अगर अंदर की बात करें तो अंदर कुछ देख सकते हो ऐसा रहने वाला कुछ। अगर हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट में अपना आईपीएच की जो प्रोजेक्टर लगा, देख सकते हो कुछ अपना ऐसा रहने वाला, जो बैकग्राउंड में अपना रेड रहने वाला है, और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में इसमें व्हाइट रहने वाला है। बाकी इसमें चाडी की बात करें तो क्रिस्टल आई की चाडी और इसमें अपना 90 वाट की लेडी लगने वाला है, जो कि देख सकते हो रिस्पॉन्स। बाकी प्रोजेक्टर की बात करें तो प्रोजेक्टर अपना क्रिस्टल आई की चाडी रहने वाला है, जैसे रिस्पॉन्स की बात करें कुछ अपना ऐसे रहने वाले डेमे, कुछ अपना इसका सेटिंग चल रहा है, कुछ अपना ये इस तरीके का रिस्पॉन्स रहने वाला है। बाकी इसके रिस्पॉन्स की बात करें तो कुछ अपना ऐसे रहने वाला है, तो सो गाइस देख सकते हो अपने डैशबोर्ड की जो अपना चारों डोर जो चारों पार्ट है डैशबोर्ड वाली भी, तो कुछ अपना इस तरीके का बॉर्डर हुआ जिसमें अपना एस एलेवन वाला जो कॉर्नर है अपना यहाँ फोन ही लगने वाला था, क्रोम की पार्ट जो एस एलेवन में आता है, तो भैया का थोड़ा मूड चेंज हो गया तो चीज़ अपना कैंसिल करने के बाद थोड़ा बॉर्डर का काम करवा लिए। तो देख सकते हो अपना चारों डोर की अपना चारों डैशबोर्ड वाली जो है अपना ये वाला पार्ट होने वाला है, हाइड्रोलिक बॉर्डर होता है, तो कुछ अपना इस तरीके का रहने वाला है, देख सकते हो। बाकी इसमें फ्रेम भी चेकआउट कर सकते हो, देखते हो तो कुछ अपना ऐसे रहने वाला है। जैसे कि वुडन की बात करें तो इसमें अपना कुछ इस तरीके का अपना सिंपल आता है, चेकआउट कर सकते हो इसमें कोई सा भी आप कलर में आप जा सकते हो। तो जैसे अपने भैया ने अपने पूरी अपना डैशबोर्ड वर्क अपना ये वाला पार्ट करवा लिया है, तो डैशबोर्ड पर लगने के लिए पहले आप देख सकते हो पूरी अपना डैशबोर्ड अपना खोला जाता है इस तरीके से, देख सकते हो कुछ इस तरीके से अपना खोला जाता है। बाकी पूरी कंप्लीट होने के बाद मैं आपको चेकआउट करा दूँगा। तो गाइस अपना स्कॉर्पियो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, तो अपना नंबर की बात करें तो अपना महाराष्ट्र नंबर रहने वाला, तो चेकआउट कर सकते हो कुछ अपना नंबर है। अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट भी इसमें देख सकते हो अपना हेडलाइट में जो डीआरएल डाला है इसमें अपना डिजिटल टैप डाला है, जो अपना इस टाइप के हेडलाइट को मॉडिफिकेशन किया तो अपना कुछ देख सकते हो, जिसमें अपना हेडलाइट खुल के अपना इसमें डीआरएल डाला हो जो कि अपने मैटिस में रहने वाला। बाकी इसके प्रोजेक्टर की बात करें तो प्रोजेक्टर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर प्रोजेक्टर की बात करें तो इसमें देख सकते हो अपना डबल लिंक प्रोजेक्टर रहने वाला, जो कि अपना बैकग्राउंड में रेड रहने वाला, फ्रंट में अपना व्हाइट रहने वाला। इसमें एच आई डी की बात करें तो क्रिस्टल की एच आई डी डाला है, जो कि अपना 55 वाट में कैनवस रहने वाला है। बाकी हाई बीम की बात करें तो हाई बीम में अपना 90 वाट की एलईडी रहने वाला है, जो कि अपना क्रिस्टल में ही रहने वाला है, जो चेकआउट करते कुछ अपना हेडलाइट जैसे रिस्पॉन्स रहने वाला है। तो अगर प्रोजेक्टर की बात करें तो इसमें आईपीएच का प्रोजेक्टर रहने वाला है, जो कुछ चेकआउट कर सकते हो, जिसमें अपना क्रिस्टल है एचआईडी रहने वाला है, अपना देख सकते हो एचआईडी के कुछ अपना ऐसे रहने वाला प्रोजेक्टर की बात करें तो रिस्पॉन्स। बाकी इसमें डीआरएल की बात करें तो डीआरएल इसमें हॉल में से डीआरएल लगने रहने वाला, जो कि अपने पार्किंग में अपना व्हाइट है और इसमें मैक्टिस रहने वाला है इंडिकेटर पर, तो मैं आपको वो भी चेकआउट करा देता हूँ। तो देख सकते हो आप इंडिकेटर कुछ अपने ऐसे रहने वाले लुक है, और हेडलाइट के डीआरएल की बात करें तो हेडलाइट के डीआरएल अपना मैट्रिक्स रहने वाला है, जो आपका फ्रंट भी कुछ ऐसा लुक रहने वाला है, तो मैं देख सकते हो डीआरएल के। बाकी ग्रिल की बात करें तो ग्रिल इसमें महिंद्रा के जैन में नेक्स्ट लेवल वाला ग्रिल रहने वाला है, तो कुछ अपना लुक वाइज की बात करें तो देख सकते हो अपना ब्रांड न्यू ग्रिल रहने वाला। बाकी इसमें एबीएस कार्ड चेकआउट कर सकते हैं। शायद प्रोफाइल की बात करें इसमें अपना स्टॉक री भी रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहने वाला। बाकी फुटर्स की बात करें तो इसमें S11 वाला फुटर रहने वाला, जो कि विद कोनी के साथ। मिरर की बात करें तो मिरर इसमें अपना नॉर्मली अपना कवर लगा के इसमें डीआरएल लगा दिया गया, उसमें कोई इसमें मिरर चेंजेस नहीं है, कुछ अपना S11 का लुक देने वाला है, कुछ अपना देख सकते हो। बाकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें नॉर्मली गैलियो का दरवाजा रहने वाला है, कुछ देख सकते हो ऐसा रहने वाला है। बाकी हैंडल की बात करें इसमें जो नॉर्मल हैंडल आता है, जिसमें हमने यहाँ से कवर लगा दिया गया है, कुछ ऐसे रहने वाला है, जो कि प्योनर ब्लैक में रहने वाला है। बाकी रूफ रेल की बात करें तो रूफ रेल इसमें नॉर्मल अपना महिंद्रा की जन्मा रहने वाला, जो कि अपना प्रॉपर अपना बोल्ट वाले रूफ रेल, तो कुछ अपना चेकआउट कर सकते हो ऐसे रहने वाला है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो अपना महिंद्रा की जन्म पिलर रहने वाला, तो कुछ चेकआउट कर सकते हो ऐसा रहने वाला, देख सकते हो। बाकी अगर ब्लैक बॉडी की बात करें तो अपना बैक लाइट पर ब्लैक बॉडी चेकआउट कर सकते हो, कुछ ऐसा रहने वाला। बाकी रिफ्लेक्टर की बात करें तो रिफ्लेक्टर में इसमें डबल ऑप्शन होता है, जिसमें पार्किंग भी होता है, ब्रेक भी होता है, कुछ अपना ऐसे लुक रहने वाला। बाकी डिजाइन की बात करें तो आपको 3-4 डिजाइन और भी मिलने वाला होता है। बाकी एक बम्पर पट्टा चेकआउट कर सकते हो, कुछ ऐसा रहने वाला, जिसमें कैलियो का रहने वाला। बाकी वाइपर की बात करें तो वाइपर इसमें अपना वर्किंग हो रखा है, जो मैं आपको दिखा दूंगा वर्किंग चालू करने के बाद जो भी है, तो कुछ अपना वाइपर का लुक ऐसा रहना, जो अपने इस टाइप में नॉर्मल अपना नहीं आता। बाकी रियर गाने की बात करें तो रियर गाने इसमें पूरा अपना एक्सचेंज पार्ट हुआ है, जो कि नॉर्मल अपना इस टाइप में नॉर्मल ब्लैक आता है, तो उसको एक्सचेंज करके प्रॉपर अपना S11 वाला लगा दिया गया होगा। बाकी स्कॉलर की बात करें तो स्कॉलर अपना महिंद्रा के जन्म रहने वाला, कुछ चेकआउट चेकआउट कर सकते हो ऐसा रहने वाला है। अफ्टर मार्केट स्कॉलर की बात करें तो कुछ आपको यहाँ से आपको क्लेम मिलने वाला होता है, तो वो चीज़ इसमें नहीं है, जो प्रॉपर अपना महिंद्रा के जन्म यहाँ पर रहने वाला है, कुछ चेकआउट कर सकते हो। तो कैसे अंदर की एंट्री करते बाद
बात करें तो इसमें अपना देख सकते हैं स्कॉर्पियो में हमने वेलकम प्लेट आने वाला। बाकी इसमें कलर ऑप्शन की बात करें इसमें दो ऑप्शन होता है, जैसे कि अपना व्हाइट भी मिल जाएगा। बाकी डोर की बात करते हैं डोर भी कुछ चेकआउट कर सकते हो, जिसमें हाइड्रोटिप में बोर्डन हुआ है तो कलर की बात करें तो चेकआउट कर सकते हो, कुछ अपने हाइड्रोटिप में ऐसे कलर रहने वाला है। बाकी डोर की बात करें तो उसमें S5 में नॉर्मल आता है, जो कि अपना सीट कवर वाला है, जो हमने सीट को लगाया है जो कि रेड कलर की पंची के साथ अपने सेम कलर के इसमें डोर में हमने फैब्रिक लगाया है, कुछ चेकआउट करते कुछ ऐसा रहने। बाकी अगर एम्बियन लाइट की बात करें तो एम्बियन लाइट भी इसमें इंस्टॉलमेंट हुआ, चारों डोर प्लस इसमें डायर तो यहाँ पर चेकआउट, बाकी पार्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हाइड्रोटिप वुडन की बात करें तो चेकआउट कर सकते कुछ अपने यहाँ पर भी हुआ है। बाकी एम्बियन लाइट की बात करें तो एम्बियन लाइट चेकआउट कर सकते हो, कुछ यहाँ पे अपना हुआ चेकआउट कर सकते हो। बाकी स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग अपना S11 में यहाँ पे सिल्वर आता है, S5 में नॉर्मल अपना ब्लैक आता है, तो उसमें हाइड्रोटिप अपने कुछ लुक दिया है। तो स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग कुछ अपना ऐसा रहने वाला, चेकआउट कर सकते हो। बाकी स्टीयरिंग कंट्रोल की बात करें तो महिंद्रा एक जेन्युइन स्टीयरिंग कंट्रोल डाला है, जो कि अपना ब्रांड न्यू रहने वाला है। बाकी स्टिचिंग की बात करें तो उसकी स्टिचिंग चेकआउट कर सकते हो, कुछ ऐसा रहने वाला है, जो कि अपना S11 में नॉर्मल यहाँ पर कट आता है, तो कट के हिसाब से प्रॉपर S11 के लुक दिए गए हैं। बाकी सीट कवर की बात करें तो सीट को चेकआउट कर सकते हो, प्रॉपर अपने प्रॉपर बकर से में प्रॉपर है। फिटिंग की बात करें तो फिटिंग चेकआउट कर सकते हो, कुछ हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा पैडिंग दी है, देख सकते हो कुछ अपने ऐसे डिजाइन में दिया, कुछ जो अपना फुल ब्लैक के साथ साथ इसमें अपना फुल ब्लैक के साथ इसमें अपना रेड कलर की पंचिंग है, इंस्टॉलमेंट देख सकते हो कुछ ऐसे रहने वाला है। बाकी यहाँ पर रेड कलर की पाइपिंग कुछ ऐसे डिजाइन में रहने वाला है, तो सीट को अपने कुछ चेकआउट कर सकते हो, ऐसा रहने वाला है। ये आर्मरेस्ट भी चेकआउट कर सकते हो, जो अपना S5 में नॉर्मल अपना नहीं आता कुछ भी, तो उसमें हमने S11 वाला आर्मरेस्ट भी लगा के दिए गए, तो देख सकते हो ऐसे इंस्टॉलमेंट है। गियर नॉब की बात करें तो इसमें चेकआउट कर सकते हो, जो अपना S5 में नॉर्मल अपना ब्लैक आता है, तो उसको मैं रिमूव करके इसमें अपना S11 वाला गियर नॉब लगा हुआ है, कुछ चेकआउट कर सकते हो, जो कि अपना यहाँ से पूरा पार्ट अपना चेंज हो जाता है, जो अपना पार्ट रहने वाला है अपना S11 का रहने वाला है। हाइड्रोलिक की बात करें तो पीछे अपना यहाँ पे दिया गया ये पार्ट भी हुआ। बाकी अपना गियर बोर्ड वाला पार्ट भी चेकआउट कर सकते हो, कुछ ऐसा नहीं बना। बाकी स्टीरियो के फ्रेम की बात करें तो स्टीरियो फ्रेम भी चेकआउट कर सकते हो, कुछ ऐसा रहने वाला है। बाकी एंड्रॉइड की बात करें तो इसमें 9 इंच का एंड्रॉइड डाला, जो कि अपना गो मैकेनिक का एक ब्रांडेड रहने वाला, जो कि 2GB 16GB इंटरनल के साथ, 2GB रैम 16GB इंटरनल के साथ चेकआउट कर सकते हो, कुछ ऐसा रहने वाला। फिनिशिंग रूफ रैम की बात करें तो कुछ चेकआउट कर सकते हो, कुछ अपना ऐसा रहने वाला, जो कि अपना S5 में नॉर्मल अपना प्लेन आता है, तो उसमें हमने प्रॉपर अपने आफ्टर मार्केट जो होता है, जिसमें अपने अपने सनग्लास होल्डर लगाए हुए, जिसमें दोनों लाइट का ऑप्शन होता है, और ये लाइट का देख सकते हो सनग्लास का ऑप्शन है। बाकी रीडिंग लाइट की बात करें तो अपना S5 में नॉर्मल अपना प्लेन आता है, तो उसको हटा के अपना S11 वाला कुछ पार्ट लगाया, जो कि महिंद्रा एजेंट में पार्ट है, जो कि अपना S11 में आता है, तो कुछ ऐसा रहने वाला है। बाकी रियर डोर की बात करें तो कुछ अपना देख सकते हो ऐसा रिस्पॉन्स रहने वाला है, एम्बियन लाइट प्लस अपना हाइड्रोलिक वुडन की बात करें तो कुछ ऐसा रहने वाला है, चेकआउट कर सकते हो। बाकी सीट पर पीछे सीट की बात करें तो कुछ ऐसा एकदम फिनिशिंग चेकआउट कर सकते हो, कुछ ऐसा रहने वाला है। बाकी सीट कवर की बात करें सीट कवर अपना डिक्की में कुछ ऐसा रहने वाला, जो गाड़ी अपना 9 सीटर रहने वाला है, अपना 7 सीटर में छोटा सीट आता है, यहाँ तक कि अपना 9 सीटर रहने वाला, जो कि अपना 2 आदमी के बैठने के लिए अपना 9 सीटर रहने वाला, जो कि फिनिशिंग चेकआउट कर सकते हो, कुछ ऐसा रहने वाला है। बाकी स्पीकर की बात करें तो देख सकते हो JBL 400W का ओवर रहने वाला, कुछ देख सकते हो। बाकी यहाँ पे अपना नॉर्मल अपना इस कलर का आता है, जो कि हमने उसको लेदर रैप करके दिए, कुछ ऐसा रहने वाला है। तो फ्रंट डोर की बात करें तो फ्रंट में अपने JBL कॉम्प्लेंट रहने वाला, जो कि 390W की कुछ चेकआउट कर सकते हो, ऐसे रहने वाला। बाकी चारों स्पीकर की बात करें तो चारों इसमें अपना JBL के कॉम्प्लेंट, हमारा आगे डोर में JBL कॉम्प्लेंट और पीछे अपना JBL के 400W का ओवर डाला गया है। बाकी इसमें एम्पलीफायर की बात करें तो एम्पलीफायर इसमें अपना रहने वाला है इन्फिनिटी का 4 चैनल की प्राइमर सीरीज की, तो इसमें अपना 4 चैनल की अपना एम्पलीफायर से इसको हमने चारों स्पीकर को हमने वर्किंग दिया, जिसकी थोड़ा अपना आउटपुट मिल सके। तो बाइपर की बात करें तो अपना S5 में नॉर्मल आता है, तो उसको हमने एक्सचेंज करके प्रॉपर अपना S5 में अपना नॉर्मल आता है, यहाँ पर कुछ भी पार्ट नहीं होता, तो हमें अपना S11 वाला प्रॉपर अपना बाइपर अपना वर्किंग करके दिया, तो कुछ अपना देखें मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, चेकआउट कर सकते हो, कुछ ऐसा रहने वाला है। चेकआउट कर सकते हो मैं, तो गाज गाड़ी के ओवरलुक की बात करें तो कुछ अपना फ्रंट का ऐसा रहने वाला, जो चेकआउट कर सकते हो।
प्राइसिंग एंड्रॉइड की बात करें तो उसमें गो मैकेनिक का डाला जो कि अपने 2GB 16GB इंटरनल के साथ गो मैकेनिक के ब्रांडेड कंपनी रहने वाला है। बाकी स्पीकर की बात करें तो फ्रंट में मेरे JBL कंपोनेंट, पीछे JBL की 400 वाट कोबल्ट। बाकी एक बात इसमें आप देख सकते हो जो कि अपने फुल कार डंपिंग हुआ, जैसे कि फ्लोर हो गया, चारों डोर हो गया, डिग्गी पार्ट हो गया, अपना रूफ हो गया, तो फुल कार इसमें डंपिंग भी हुआ है। तो कुछ अपना रहने वाला ऐसे चेकअप कर सकते हैं। तो गाइस इसमें रियर सीट की बात करें तो रियर सीट में अपना नॉर्मल आता है जो कि अपना S5 के वेरिएंट में अपना नॉर्मल सीट का फ्लैट आता है। तो देख सकते हो तो नॉर्मल सीट अपना यहाँ तक कि सीधी लेंस में आता है। तो उसको हमने कस्टमर के डिमांड पे हमने क्या किया, उसको पीछे थोड़ा 4 इंची के साइज में इसको थोड़ा पीछे करके दिया जो कस्टमर को रिक्वायरमेंट था। तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हो, या अगर करवाना चाहते हो तो भी आपको ऑप्शन है हमारे यहाँ पे। तो गाइस वीडियो करते हैं एंड, वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय।